कहानी एक न्यूयॉर्क सिटी में न्यू ईयर की रात के दौरान होती है, जहां कई विभिन्न किस्से और किरदार एक डेडलॉक पर आते हैं और उनकी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये एक एंसेंबल कैस्ट फिल्म है। फिल्म में हर किरदार अपने आप में एक अलग कहानी लेकर आता है और सभी इस नए वर्ष की रात को अपने तरीके से मनाते हैं, जो उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण मोमेंट्स की ओर बढ़ने का एक मौका देता है। फिल्म ने सारे विभिन्न प्रेम कहानियों, मजेदार घटनाओं और संजीवनी यात्राओं के माध्यम से एक साथ मिलकर एक हर्ष भरे माहौल का निर्माण किया है। फिल्म ने दर्शकों को एक आनंददायक, रोमांटिक और मनोरंजनपूर्ण अनुभव प्रदान किया है, जिसने इसे साल की आखिरी रात के मौके के साथ जुड़ा दिया है। तो मूवी स्टार्ट होती है न्यू ईयर पर, जहां पर लड़का ग्रिफिन उठता है और आज के दिन को स्पेशल बोलकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और दूसरी तरफ मार्को नाम की लड़की भी यही करती है। वो दोनों आज के दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि दोनों के घर का एड्रेस 55 मेंबर्स फीट है, पर ट्रैफिक का नॉवल और मार्गो का बेस्ट। रास्ते में ग्रिफिन अपनी मॉम से बात करता है, जो उसे आज के दिन के लिए प्रोत्साहित कर दिया और कुछ टिप्स भी देती हैं। तब पता चलता है कि फिल्म के लिए आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आज यानी 30 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा, और उसका फैमिली ट्रेडिशन है जो 3 जनरेशन से चलता आ रहा है। और दूसरी तरफ मार्को अपनी मॉम को बताती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करे, लेकिन उसकी मॉम से ज्यादा होश न रखने के लिए बोलती है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या हो। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां ग्रिफिन अपने कलीग्स को कॉफी देता है और उसका दोस्त उसे कुछ टिप्स देता है जो कि काम नहीं आने वाली। और वहां मार्गो की दोस्त उसे बताती है कि उसने बहुत शानदार पार्टी मिस कर दी। मार्गो से बोल यही आज की रात शायद वो रात हो सकती है जो हर लड़की का सपना होता है, एक परफेक्ट प्रपोजल। लेकिन उसके दोस्त को अजीब लगता है और उसे बोल दिया कि उसे रिलेशनशिप में सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और उसका बॉयफ्रेंड किसी से मिला नहीं, किसी को पता भी नहीं कि मैसेज करता है। जिसके जवाब में मार्गो कहती है कि वो बहुत बिजी रहता है क्योंकि वो फोकस कर रहा है अपनी 3rd ब्लैक बेल्ट पर। फिल्म मार्गो ड्रेस ले जाती है, जहां उसकी मां होती है और बहन जिसकी शादी हो रही है, उनको भी उस पर डाउट होता है कि केप नाम का कोई लड़का नहीं है और वो उनसे झूठ बोल रही है। इस बात पर मार्को और उसकी बहन की लड़ाई हो जाती है और उनकी मां उन्हें समझाती है, जिससे वो दोनों शांत हो जाती हैं। मां दूसरी तरफ ग्रिफिन शॉप में रंग लेने जाता है और उसकी मां भी वहां जाती है और उसे बोल देगी अपनी प्रपोजल स्पीच उसे सुनाए। वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर सुनाता है, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर टाइम आता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, आसपास की बातें करते हैं। एक्साइटमेंट दोनों के चेहरे से साफ दिखाई होती है। ऐसा लगता है कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला पहले प्रपोज करें, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। ग्रिफिन की गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है और मार्गेट का बॉयफ्रेंड एक मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट है, लेकिन क्रूप जो मार्कोट का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर देता है, जिसे सुनकर मार्कोट को बहुत गुस्सा आता है और उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। वहां ग्रिफिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, जो कि आधा हां कर दिया क्योंकि उसे एक परफेक्ट प्रपोजल चाहिए। अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और स्पॉन्सर्स के लिए क्लाइमेट मूवमेंट की बजाय लाइक्स और फॉलोअर पर जीती यह सुनकर ग्रिफिन उदास हो जाता है और क्लाइमेट वहां से चली जाती है। और केफिर और मार्कोट पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए, और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। घर में रात के लिए क्लाइमेट ग्रिफिन से माफी मांगती है और उसे सूट दे दिया जिसे पहनकर आज रात उसके फॉलोअर्स के सामने इंस्टाग्राम लाइव पर उसे प्रपोज करें। और दूसरी तरफ घर पर मार्कोट और उदास होती है कि उसकी बहन की शादी की एक रात पहले उसका ब्रेकअप हो गया। अब जो लोग उसे झूठा समझ रहे थे वह सच में बदल जाएगा। वह शादी में न जाने का प्लान बना दिया, लेकिन उसकी मां का फोन आता है जो उसे बैग लाने के लिए बोल दिया और उसे ग्रुप के बारे में पूछती है, जिससे मार्कोट और छूट दे दिया कि वो दोनों शादी में आ रहे हैं। अब उसे खुद नहीं पता कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। वहां ग्रिफिन अपने दोस्त के साथ पार्टी करता है, जहां वह अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वोडका पी लेता है और नशे में धुत हो जाता है। फिर उसके दोस्त उसे टैक्सी में बिठाकर घर भेज देते हैं। घर पहुंचकर नहाकर सो जाता है। वहीं मार्कोट अपनी दोस्तों इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जो उसे बोलती हैं कि टेंडर से कोई भी रैंडम लड़का ले लो और उसे ग्रुप बनाकर फैमिली के सामने रख दो, बाद में उपयोग करके छोड़ दो। मार्कोट इस बारे में सोचती है और घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि योगर्ट फ्रिज के बाहर रखा है।
उसकी क्लॉक भी रुकी हुई है, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती है। मार्क और ग्रिफिन को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और एक भारी कंफ्यूजन हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने ग्रिफिन को 15 मेपल स्ट्रीट नॉर्वे की जगह वेस्टवुड पहुंचा दिया। उन दोनों का कंफ्यूजन दूर होता है। फिर वो थोड़ी बात करते हैं और तभी क्रूप आता है और ग्रिफिन को देख गुस्सा हो जाता है और मार्गेट क्रूप को बोलती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड है। वो दोनों दूसरे ही मुंह से किस करते हैं। मार्कोट और उसे पूछती है कि क्या वो क्रूप बन उसकी बहन की शादी चलेगा। इस पर वह मना कर देता है क्योंकि किसी अनजान की बहन की शादी क्यों जाएगा, वो भी कोई और बनकर। लेकिन थोड़ा टाइम लेने के बाद वह मान जाता है और वह दोनों तैयारी करते जाने की, जिसमें मार्केट ग्रिफिन को क्रूप के बारे में बता दिया, उसका जॉब, उसकी हॉबी, उसका पैशन, और वो दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में वो वेल लेने जाते हैं, पर दुकान बंद होने की वजह से वह पीछे के रास्ते से वेल लेकर चले जाते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो पैदल जाते हैं और कुछ बातें कहते हैं, जिसने उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। फिर वो एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें पहले से कपल बैठा होता है। वो उन दोनों को अपने साथ आने देते हैं। फिर कपल से पूछता है कि आपके आने की क्या वजह है, जिसके वो बोलते हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी शादी को 50 ईयर हो चुके हैं। ये सुनकर मार्कोट और ग्रिफिन आश्चर्य हो जाते हैं। अब कपल बताता है कि हम हमेशा न्यू ईयर के दिन डिनर करने जाते हैं, और औरत बोलती है कि ये कोर्ट उसके लिए लकी है, जिस पर ग्रिफिन बोलता है कि कुछ कहानी है कोर्ट पर, इसलिए वो दोनों बता दें कि कैसे इस कोर्ट की वजह से वो दोनों मिले। आदि बोलता है कि जब वह जवान था तो अपने दोस्त के साथ पोर्ट पर जा रहा था, और जैसे ही वो पोर्ट पर पहुंचा उसे वहां एक लड़की दिखी जिसे देखकर उसकी दुनिया थम गई, मानो एक पल भी बहुत लंबा बन गया, और चिड़ियों की चहक, हवा का ऐसे चलना कि मैं इस पर उस लड़की को दिख के खो गया, लेकिन वो वहां से चली गई। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वह मुझे न मिले। फिर कुछ दिन बाद मैं मूवी देखने गया, वहां भी दूसरी सीट पर वही लड़की आई, पिंक कोट वाली। मूवी के बाद मैंने उसे डेट के लिए पूछा पर उसने मना कर दिया। मैंने उसका फोन नंबर भी मांगा लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया और वह वहां से चली गई। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्त से मिलने गया एक रेस्टोरेंट में। वहां पर मैंने देखा कि वही पिंक कोट एक चेयर पे रखा था और लड़की मेरे पीछे थी। तब हम दोनों समझ गए कि यह किस्मत है जो हमें बार बार मिला रही है। हमने ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं की और शादी कर ली, और फिर वो दिन है और आज का दिन सिर्फ 50 ईयर हो गए। अभी भी हम हैप्पी है। मैरिड कपल घोड़ा गाड़ी ग्रिफिन और मार्कोट को देते हैं, और औरत अपना लकी पिंक कोट भी मार्कोट को देती है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और वो दोनों भी वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहां मार्कोट उसे उसकी फैमिली और रिश्तेदार के साथ डबल बिहेव करने के लिए कह दिया और अपनी बहन को वेल दे दिया, जिसे पहनकर वह बहुत खुश होती है। लेकिन लाइट जा रही होती है, लेकिन वो सब थोड़ा घबरा जाते हैं कि शादी के दौरान लाइट न जाए। ग्रिफिन क्रूप बनकर मार्कोट की फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। फिर समय आता है वेडिंग का, जहां ब्राइड स्टेज पर आ रही होती है पर लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से ब्रैड घबरा जाती जाती है। मार्कोट आइडिया देती है कि कैंडल जला सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के फायर कोर्स में लागू नहीं होता। तो मार्कोट की चाची क्रूप का नाम लेती है, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसे पता होगा कि कैसे हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन को। वो बोलता है कि कैंडल नहीं आ सकी तो क्या, ऑन रेंज तो आ सकते हैं। फिर वह सबकी मदद से ऑन रेंज को कैंडल बनाकर बिल्डिंग को लाइट करता है और शादी कंटिन्यू करते हैं। फिर लाइट भी वापस आ जाती है और सब बहुत खुश होते हैं और क्रूप से बहुत इंप्रेस होते हैं। फिर ग्रिफिन को क्लाइमेट का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से आने को बोलती है, क्योंकि ग्रिफिन ने उसको उसके फॉलोअर्स और स्पॉन्सर के सामने प्रपोज करना है। थोड़ा टाइम मांगता है और मार्कोट की फैमिली के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फिर मार्कोट की बहनों उन दोनों से पूछती हैं कि तुम दोनों मिले कैसे। फिर ग्रिफिन क्रूप बनकर स्पीच देता है, जिसमें ओल्ड कपल की स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं सुपर हीरो फील करता हूं और तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। सबके दिल को स्पीच छू लेती है। फिर डांस की बारी आती है, जहां असली क्रूप आ जाता है, ग्रिफिन को बुरी तरह पीटता है और सब कंफ्यूज और गुस्सा हो जाते हैं। मार्गेट ने उन सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। फिर वो ग्रिफिन को वहां से जाने के लिए बोल दिया, और ग्रिफिन क्लाइमेट के पास आता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन कैंसिल कर देता है क्योंकि अब वह मार्कोट से प्यार करने लगा था। और दूसरी तरफ उसकी बहन की शादी पर मार्कोट को प्रपोज करता है, लेकिन मार्कोट मना कर देती है और उसे अपनी साइड से भी ब्रेकअप कर लेती है। ग्रिफिन घर चला जाता है और मार्गेट की बहनों से बोलती है कि अपने दिल की सुनो और उसे पाने के लिए दुनिया से लड़ जाओ। फिर ऐसा ना हो कि तुम बिस्तर पर लेटकर पछताओ और सोचो कि टाइम भी था
मौका भी था, काश थोड़ी हिम्मत होती। फिर मार्गेट ग्रिफिन के घर आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के मुंह से किस भी करते हैं कि तभी क्लाइमेट आ जाती है और अपनी तोहफा ग्रिफिन से वापस मांगती है। सो मार्गेट को बोल दिया कि काश तुम दोनों सुबह उठो और तुम्हारे बीच कोई फीलिंग्स ना हो। तुम सोचो कि तुमने बस न्यू ईयर ईव पर एक फैंटेसी के लिए ये सब किया और प्यार है ही नहीं। फिर मार्गेट को भी थोड़ा डाउट होता है कि कहीं वो जल्दबाजी में गलत कदम तो नहीं उठा रही, सच में ऐसा ही तो नहीं। फिर वो वहां से चली जाती है और ग्रिफिन उसके पीछे आता है, उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि पता नहीं ये सब सही है या नहीं, या मैं फिर से औरों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रही। वो बोलता है कि हमारा उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर मिलना, फिर मेरा तुम्हारे घर पर आना, तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन की शादी में जाना, हमारा एक साथ वक्त गुजारना, और वो भी तब जब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, हम कुछ ही घंटे पहले मिले, ये किस्मत नहीं तो फिर तो क्या है। तो आगे बात करती है कि मेपल ड्राइव एड्रेस किसी का भी हो सकता है। वो बोलता है कि हाँ किसी का भी हो सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ तुम्हारे ही घर में उड़ना ये किस्मत नहीं। तो क्या है, जब यूनिवर्स तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तब तुम ना नहीं कर सकते। जिसमें मार्गेट सिर्फ उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ग्रिफिन अपनी फैमिली से रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उसका और क्लाइमेट का ब्रेकअप हो गया, उसको सपोर्ट करते हैं। बाथरूम जाता है, वहां से आकर वह मार्गेट की फैमिली को देखता है और उसे बुलाते हैं। वो खुशी से उनसे मिलने जाता है कि उसे वही पिंक कोट दिखता है, और वह सोचता है कि अगर किस्मत असली में है तो मार्गेट भी यहां पर होगी। मार्गेट उसके कंधे पर हाथ रख दिया और पीछे देखता है तो वह मार्गेट ही होती है, और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी भी मिलनी चाहिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।